नमस्ते, राम राम, सगलों को स्वागत एक बार फिर। और अपा बात कर रहा कॉलेज शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस की, तो मैं दो चार बातें बतानी चाहूँ कि एक तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध है, आकी एक कविता है अंधेरे में, अपना सिलेबस में शामिल करी गई है। इको अपा पूरा को पूरा अध्ययन करेंगे। 126 नंबर पेज हूँ लेकिन 171 नंबर पेज तक की एक बड़ी कविता कुल मिला की 8 खंडा में विभाजित करी गई है, तो वह कविता को अपा अध्ययन पूरा करेंगे। चैनल पर यदि थे पहली दफा बता रहे हो तो सब्सक्राइब कर दियो ताकि थाने सूचना मिल सके। आचार्य प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्पलता, और इस कल्पलता का मैं आपने एक निबंध शामिल करे हुए जिसकी को नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून के बढ़ने का कारण क्या है, उस कारण के विषय में बात करेंगे। पूरा का पूरा निबंध हम शब्द से है यहीं पर पढ़ने वाले हैं। बी के बाद में यदि आप बात करा तो बिहारी रत्नाकर, और बिहारी रत्नाकर की कई प्रत्या बाजार में ही, लेकिन आरपीएससी या राजस्थान लोक सेवा आयोग कहो है कि बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा संपादित है, वही अपन पढ़नी है। कुल मिलाकर इस अंक से या इन 713 दोहों में से शुरू के 25 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, हम उन सभी दोहों को यहाँ पर पढ़ेंगे, इसी चैनल पर एक साथ पढ़ेंगे मिलकर सभी। यहाँ ये किताब है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा संपादित की गई, जिसका नाम है कवितावली। इस कवितावली से कुल मिलाकर 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। तीनों चैप्टर कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से हैं, एक तो है नाम विश्वास, दूसरा है कलिवर्णन, और तीसरा है राम नाम महिमा। इन तीनों का सरल अर्थ के साथ, सैटिक भावार्थ के साथ हम यहाँ पर इसका अध्ययन करने वाले हैं। ये चिंतामणि भाग एक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित 17 निबंधों में से एक निबंध इस पुस्तक में जो संकलित है, तीसरे नंबर का श्रद्धा और भक्ति हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हम उस निबंध को भी आप सभी के साथ मिलकर तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे, और ये है, इसका नाम है श्रद्धा भक्ति, तो ये भी हमारे काम का रहने वाला है। इसके बाद बात करें तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी से कुल मिलाकर 2 सर्ग शामिल किए गए हैं, पहला और तीसरा सर्ग। इन तीनों दोनों सर्गों के एक एक पद पर हम बात करने वाले हैं। एक पद तो है चिंता और दूसरा है आशा, इन सभी पर बात करेंगे। आज शाम सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में, कुल मिलाकर 8 भाग हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने रख दिया जाए। इसके अलावा मोहन राकेश का आदि अधूरे है, वेगड़ साहब की अमृतलाल वेगड़ की सौंदर्य की नदी नर्मदा है, ये तमाम चीजें हम आपके सामने यहीं पर इसी चैनल पर शेयर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में तो इतना ही है, जुड़े रहें, प्यार बना रहे। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।